हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट इज स्टडी एस एस सी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। दिस इज द पार्ट ऑफ इट इज स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ओके, चलिए हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट 7 चल रहा है। ओके, किसके लिए? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, है ना, मिनिस्ट्रियल वाली जो पोस्ट है उसके लिए है। और आपके लिए आज एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, वो भी मैं लाया हूँ, ठीक है। तो जो सबसे पहली बात, तो हमारा जो 800 प्लस क्वेश्चन का सीरीज ही चल रहा है, ठीक है, और ये तब कब तक चलेगा? जब तक हमारा चलता रहेगा। किस चीज़ का? जब तक हमारे पेपर नहीं हो जाते, जो कि होने वाले हैं कब से, 27 से 28 अक्टूबर के बाद जो है स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको क्या बताने वाला था कि इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी 25 नंबर के 25 क्वेश्चन। ओके, लिख देता हूँ मार्क्स, मार्क्स लिख देता हूँ नंबर छोड़ के। ओके, और क्या है ना इसमें कि जो आपका 15 क्वेश्चंस जो है, 15 क्वेश्चंस जो है आपके लैंग्वेज के ऊपर बेस होते हैं, यानी कि ग्रामर, बेसिक ग्रामर जो होती है उसके ऊपर होते हैं। और बाकी के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आपके हो जाते हैं किसके, कॉम्प्रिहेंशन के, यानी पैसेज के, कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज के, ठीक है। तो इन 10 में से भी 5 क्वेश्चन जो है इजी होते हैं और 5 क्वेश्चन जो है हार्ड होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी आज से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन तो मैं आपको ग्रामर से करवा रहा हूँ, 20 क्वेश्चन जो है आपको ग्रामर से करवा रहा हूँ। और बाकी के जो 10 पैसेज के क्वेश्चन है, ये मैं आपको PDF बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और जो आंसर होंगे वो भी नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ना ऐसे रुकना नहीं पड़ेगा अगले महीने से। इससे क्या होगा ना कि आप लोग को ज़्यादा थोड़ी सी आसानी होती है, आसानी हो जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और आंसर भी आपका जो है टेलीग्राम पे होगा, आंसर नेक्स्ट डे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। 8-8 हज़ार की चीज़ें, 1500-1500 रुपये की चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली है, तो ज्वाइन कर लीजिए, आप ही के लिए सही हुआ, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्या लिखा है यहाँ पे? यू मे डैश योर वे इफ यू गो अलोन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में? फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हुआ है कि तुम शायद, मे का क्या होता है? शायद होता है। और मे का सेकंड फॉर्म क्या होता है? माइट, ठीक है। मे का सेकंड फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। जैसे कैन का कोड होता है, एक मिनट रुकिए, कैन का क्या होता है? कोड होता है बिल्कुल सेम वैसे ही, ठीक है। इन चीजों को आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन चीजों का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, जो है लॉस है, लूज है, लॉस है, सॉरी ये भी लूज है। देखिए इन दोनों में क्या दिक्कत होती है ना, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी लूज होता है और ये भी लूज होता है, दोनों सेम होता है, मगर इसका मतलब होता है ढीला, ठीक है। और इसका मतलब होता है जो कि किसी चीज को खोना या फिर खो गया, ठीक है। और इसी का सेकंड फॉर्म होता है लॉस्ट, ठीक है। ये हो गया लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। ऐसे ही आपको क्लासेस के साथ में ये सब बताता रहूंगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि अब जब हम जो भी करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, ठीक है। और इसे मान लीजिए आप, ये एक तरह की एडवांस इंग्लिश है, एडवांस लैंग्वेज मान लीजिए इसे, ठीक है, जिससे कि आपको किस चीज में दिक्कत नहीं होगी। तो कहाँ गया? यहाँ पे आंसर आएगा लूज, ठीक है। लॉस का मतलब होता है नुकसान, ठीक है। ज्यादातर जो है ज्यादातर लोग कहेंगे कि इसका मतलब भी खोना ही होता है, लेकिन नहीं, लॉस जो है आपका जो लॉस है, इसका मतलब होता है, एग्जैक्ट मीनिंग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मीनिंग नुकसान होती है, ठीक है। लूज का मतलब होता है खोना, ठीक है। लूज का मतलब होता है खोना या फिर खो गया। और जो सेकंड नंबर पे लूज है, उसका मतलब होता है ढीला। तो इन सब चीज़ों को आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जो गलत बताने वाले हैं वो बहुत होते हैं, ठीक है। जब गलत जानोगे तो गलत लिख के आओगे और दिक्कत हो जाएगी। खोना, ठीक है, ये आपको PDF जो कि तो मिल जाएगी। चलिए सेकंड फॉर्म पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? करेक्ट स्पेलिंग देखिए, इसमें तो आराम से पहचान लेंगे, ग्रीन हॉर्न है ना। और कोई तो गलत, और कोई सही स्पेलिंग लग भी नहीं रही है, इससे ज़्यादा इजी आएगा भी नहीं। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक कोई लोग, कोई इंसान, कोई व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अ पर्सन हु इज अ पर्सन
पर्सन हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड। तो इन चीजों को जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये मतलब आप ना पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो एक बार खुद से करा करिए, कोशिश करा करिए करने की, ना आए तो वीडियो देखा करिए, नहीं तो ऐसे दिक्कत बढ़ती जाएगी आप लोग की। चलिए एरर ढूंढते, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ। आर्म लेंथ जो होता है, ये जो आर्म्स लेंथ होता है, ये एक ईडियम होता है। क्या होता है? ईडियम होता है। इसका मतलब होता है एक हाथ की दूरी पे रखो। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है, अब देखिए गलती बताऊंगा कहाँ पे है, यहाँ पे बी ऑप्शन में गलती है। क्यों गलती है मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों गलती है ना। इस चीज को ध्यान रखना, जहाँ पे लेस्ट, अनटिल ये सब लग जाता है, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। कोई भी, लिख लेना इसे, कोई भी नेगेटिव वर्ड, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, ठीक है। क्या नहीं आता? कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता, बिकॉज इसका ये खुद एक नेगेटिव डिटोनेशन देता है, ठीक है, खुद नेगेटिव डिनोट करता है। लेस्ट, अनटिल, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं तो तुम ये चीज नहीं कर पाओगे। लॉन्ग रन में क्या होगी? तुमको दिक्कत होगी उससे। एक हाथ की, एक गज की, एक हाथ की दूरी बनाए रखना, ठीक है, ये कहना चाहता है ये। पेन कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 4, हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स। क्या है ये? वन वर्ड है, हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स किसी चीज का है। अगर लिमिट नहीं है उसके पास तो अनलिमिटेड हुआ, अनलिमिटेड हुआ तो इनफिनाइट हो गया, ठीक है, अनलिमिटेड हुआ तो क्या हो गया? इनफिनाइट हो गया। कॉलोसल का मतलब होता है ना, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, कॉलोसल, इसका मतलब होता है एकदम अति विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है, क्या? एक्सट्रीमली लार्ज। और एनरोमस जो होता है, इसका मतलब भी होता है, लेकिन ये ह्यूज जो है उस कैटेगरी में आ जाता है, मतलब बड़ा ही होता है, विशाल होता है, लेकिन अति विशाल से थोड़ा सा छोटा होता है। और ट्रेमेंडस क्या होता है? इसे भी हम वेरी लार्ज के रूप में रख सकते हैं, वेरी लार्ज के ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। तो सबका, इन तीनों का मतलब एक ही है, बस उसका मतलब ही अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। इसकी मैंने आपको ट्रिक डिफेंस चैनल पे बताई थी, मैं यहाँ पे जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आप ज़्यादातर ऑप्शन से करिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इन दोनों को काट दीजिए, ठीक है, इन दोनों को जो है छोड़ देंगे हम, इन दोनों को छोड़ देंगे और देखेंगे किससे शुरू हो रहा है। तो ये किससे शुरू हो रहा है? डबल बी और डबल सी से शुरू हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बी और सी सी सबसे पहले आ रहे हैं, तो हम पहले बी से बनाएंगे। द फर्स्ट टेलीस्कोप वॉज मेड इन 17th सेंचुरी बाई गैलीलियो, ठीक है। अब हम सी से शुरू करते हैं, सी से शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा? दे लुक्ड एट, नहीं ये तो लग ही नहीं रहा ना स्टार्ट होगा, तो ये बी से शुरू होगा, तो ये दोनों हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन जो है खत्म हो गए। ओके, तो दो ऑप्शन बचे हैं। द फर्स्ट टेलीस्कोप वॉज मेड इन 17th सेंचुरी बाय गैलीलियो। ओके, अब इसके बाद डी आएगा या फिर ए आएगा, तो ए से शुरुआत करते हैं। इट वॉज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट हिल इन वेनिस, ठीक है, एकदम सही है। लार्ज क्राउड्स माउंटेड, हाँ ठीक है, इसका आप, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज आपका ये ऐसे ही चलेगा, बी ए डी सी की जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा, ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा कि 17th सेंचुरी में गैलीलियो ने जो है, गैलीली गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा कि उसे वेनिस पे सबसे ऊंचे हिल पे जो है लगाया गया था। फिर उसके बाद डी आएगा, क्यों लगाया गया था? क्योंकि वहां पे जब लगाया गया था तब वहां पे बहुत सारे लोग आए थे और सबने क्या देखा था? प्लैनेट्स देखा था और करा था कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, तो एकदम सही हो जाएगा ये। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, ये रहा 6, क्या है? एक्सप्रेस द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, यानी सिमिलर ढूंढना है। तो इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें मतलब जानना चाहिए। इसका मतलब होता है लेजी, ठीक है, हैबिचुअल लेजी, उसकी आदत है, तो सिमिलर ये हो गया। और ये अर्जेंट का मतलब तो जो होता है, क्या होता है? इम्पोर्टेंट, इम्पॉर्टेंट होता है ना, अर्जेंट का मतलब। मैनेसिंग, मैनेसिंग का मतलब होता है जो सगेस्ट करे, जो क्या करे? सगेस्ट करे, किसी चीज को बताए। और एक्टिव तो इसका अपोजिट हो गया, ठीक है, एक्टिव क्या हो गया इसका अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया, एंटोनिम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एंटोनिम यानी अपोजिट ढूंढना है विशिष्टिट्यूड, क्या है ये?
विसिसिट्यूड, मेरे को भी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये एक नाउन है सबसे पहली बात तो, ठीक है, क्या है ये? नाउन है, और इसका मतलब होता है किसी फॉर्चून में यानी समय में या फिर सरकमस्टांस में कोई चेंज आना, ठीक है। सरकमस्टांस में क्या आना? चेंज आना, हालातों की बदलाव, ठीक है, बदलाव। अगर सरल भाषा में लिखूँ तो इसे कह सकते हैं बदलाव, समय का बदलाव। तो इसका मतलब, इसका जो अपोजिट होगा, अगर बदल रहा है तो कोई चीज़ कब बदलेगी? जब वो हिलती रहेगी। तो हिलने का उल्टा क्या होता है? एकदम सीधा, ठीक है, एक समय पे चलना। ओके, क्या करना? एक समय पे चलना। करोड़ का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 1 जो है डैमेज, किसी चीज़ को स्लोली तरीके से डैमेज करना। जैसे आप देखते हैं ना आयरन पे जंग लगती है, उसे क्या कहते हैं? कोरोशन कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही होता है वो, धीरे धीरे ही तो जंग लगती है ना, एक ही बार में थोड़ी जंग लग जाती है। जब हम उसे खुलने पे रखते हैं, लोहे का सरिया देखा होगा आपने, खुला रहता है छत पे, तो जंग लगने लगती है। चेंज, चेंज का मतलब सबको पता है, बदलाव, ठीक है। तो ये इसका सिमिलर हो गया, अपोजिट पूछा था। म्यूटेशन, ये भी बदलाव होता है, लेकिन ये जेनेटिक तरीके से होता है, लेकिन ये भी जो है उसका सिनोनिम ही है। अगर सिनोनिम पूछा जाता और ये ऑप्शन में होता तो जेने, एक मिनट रुकिए, जेनेटिक की स्पेलिंग गलत लिख दी, जेनेटिक रूप से बदलाव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? वन वर्ड रिलेटिंग टू प्रेजेंट टाइम यानी कंटेम्प्रेरी, ये तो कल ही करवाया था मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ही लैक्स करेज एंड गिव्स अप। गिव्स का अप का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। आपने ये सुना होगा ना, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप मतलब छोड़ देना। गिव अप का मतलब तो छोड़ देना, कभी नहीं छोड़ना। गिव्स अवे का मतलब कहता है किसी चीज को दे देना, ठीक है, गिफ्ट समझ के, डोनेशन देके। गिव ऑफ का मतलब होता है कि एक शाखा के रूप में भेजने के लिए, और गिव आउट का मतलब होता है बांटने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, एरर पूछा जा रहा है, चलिए पढ़ते हैं। इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे गलती जो है, यहाँ पे है सेम लाइक ह्यूमन बींग्स में। अब यहाँ पे सही क्या होना चाहिए कि जो लाइक है ना, ये जो प्रेपोजिशन है लाइक, इसका मतलब सेम, ये यहाँ पे जो है, एक मिनट रुकिए, इसे मिटा के समझाता हूँ। ये चीज़, ये यहाँ पे गलत लिखी हुई है, लाइक नहीं आना चाहिए था। लाइक होता है सिमिलर टू समडी, समबडी और समथिंग, मतलब किसी चीज़ की जैसा, सेम सेम। और यहाँ पे सेम भी दे रखा है, लाइक भी दे रखा है, तो ये गलत आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है एकदम सही जो है, लाइक की जगह एज आना चाहिए था क्या। और अगर इसे बिल्कुल ठीक बनाए तो कैन थिंक के बाद कैन थिंक दी दी सेम एज, और डैश के आगे मतलब जो भी है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो सेम द सेम ऐसा आएगा, तो कहाँ पे लिखा है लाइक? लाइक नहीं आएगा, सेम और लाइक दोनों एक चीज होती है, तो आप खुद ही समझ जाए कि गलती कहाँ पे है। बाकी मैंने आपको ओमिट कर दिया यानी बता दिया वो कहाँ गलती थी, कैसे थी, क्या था क्या नहीं था, तो वो आपको खुद समझना पड़ेगा। गेट क्रैकिंग, गेट क्रैकिंग का मतलब होता है किसी काम को स्टार्ट करना। ओके, चलिए इम्प्रूवमेंट करनी है, सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट एक ही बात है। अ चार्टर्ड फ्लाइट इज बीइंग अरेंज्ड, इज बीइंग अरेंज्ड टू फ्लाई बैक इंडियंस ऑन बोर्ड द क्रूज शिप ऑफ द जापान कोस्ट। तो यहाँ पे एकदम सही है, इज बीइंग अरेंज्ड एकदम सही है, यानी ये पैसिव वॉइस है किसी का, ठीक है, पैसिव वॉइस है, कहीं पे अरेंज हो रहा होगा, ING वाली फॉर्म होगी तो इसलिए बीइंग वाली फॉर्म लगाइए, ठीक है। पैसिव में क्या होता है? ING वाली फॉर्म जो है बींग, तो यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13, तो कहाँ से शुरू करते हैं? BDCD। इसमें तो अलग अलग ऑप्शन है, डी से शुरू करें क्या? मिलियन मिलियंस ऑफ अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन आर डिनाइड अ चाइल्डहुड ऑफ लव एंड केयर इंस्टेड दे आर, हाँ ठीक है, DABC इसका सही होगा, DAB चेक कर लेता हूँ एक बार। दिस बर्डन इज बॉर्न, हाँ एकदम सही है, ठीक है, सबसे पहले यहीं से हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सिनोनिम, सिनोनिम यानी सिमिलर। पैराटर्ब का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है वरी, चिंता। तो कहाँ पे लिखा है वरी? ये रहा। हैप्पी का मतलब तो सबको पता है, खुश। और अगर इसके सिनोनिम लिखवाऊँ तो जॉय, प्लेजर। ओके, और क्या लिखवा सकता हूँ आपको हैप्पी के सिनोनिम? इंजॉय, है ना। और तो इतना ही याद है। फिक्स का, फिक्स क्या क्या होता है? किसी चीज़ को ठीक करना, है ना।
तो यहाँ पे हो गया रीस्टोर, इसके सिनोनिम लिखवा देता हूँ रीस्टोर। और क्या हो सकता है ठीक करने का, रिपेयर है ना। और ऑप्शन नंबर 1 है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, होशियार, ठीक है। तो इसका और क्या सिनोनिम हो सकता है, अलर्ट, वाइज, और आपका और भी कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। और जो इसका एंटोनिम है ना, मतलब इसका जो उल्टा है, उल्टा, ये तो सिनोनिम हो गया। जो इसका अपोजिट है यानी एंटोनिम, इस शब्द की बात कर रहा हूँ, पेटअप का। पेटअप का मतलब वो क्या होता है, चिंता। तो इसका इसका उल्टा हो जाएगा शांत रहना, काम, या फिर कंपोज यानी शांत रहना, ठीक है, क्वाइट मतलब शांत रहना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन दी डार्क रूम। देखिए लुक यहाँ पे गलत आया, ठीक है, यहाँ तो हमको अपने आप ही पता चल गया, बिकॉज सी आएगा यहाँ पे। सी क्यों आएगा, लुक का मतलब होता है ना टू, मतलब सी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को नोटिस करना। अगर मैं आपको बोलूँ सी दैट यानी वहाँ देखो, अगर मैं आपको बोलूँ लुक दैट, तो आपका मतलब होगा कि मतलब मेरा मतलब होगा कि वहाँ देखो। दोनों का मतलब वहाँ देखो है, पर सी का मतलब जो है आपका नोटिस से आता है, वो कुछ भी चीज़ जो डार्क अंधेरे से रूम में है वो देख नहीं पा रहा था, ठीक है। देखना और देख में फर्क होता है, ठीक है। लुक का मतलब क्या होता है, देखना। सी का मतलब क्या होता है, दिखना, ठीक है, दिखना चाहिए ना किसी चीज को, वो वाला दिखना। ओके चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या है हार्ड सेल। हार्ड सेल का मतलब क्या होता है, सेल समथिंग बाय बीइंग वेरी अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है गुस्से वाला, ठीक है, किसी चीज को गुस्से में बेचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। रस्किन बॉन्ड ने एक बुक ऑथर करी है, यानी एक बुक लिखी है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रस्किन बॉन्ड, और जो हमारा काम है वो किस पे हो रहा है, वो हो रहा है कि उसने क्या करा है, एक इस बुक को लिखा है। तो ये जो द बुक है, ये पूरा इतना हिस्सा, ये जो द बुक है ये पीछे आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आपका इट्स अ, ये तो गलत है, ये तो पूरा गलत है। द बुक द बुक द बुक इट्स अ वंडरफुल लाइफ हैज नहीं आएगा, बिकॉज ऑथर्ड है तो ये पहले ही ऑथर्ड हो चुका है, तो हैज नहीं आएगा। वॉज वॉज ऑथर्ड बाय दी नहीं आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर किसी उस चीज के लिए करते हैं जहाँ पे कोई चीज लेजेंड होती है, ये आएगा बाय रस्किन बॉन्ड, ऑथर है मानते हैं लेकिन द नहीं आएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्या लिखा है, एंटोनिम यानी अपोजिट। ग्विललेस, ग्विललेस का मतलब क्या होता है, जिसके जो निर्दोष होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, जो निर्दोष होता है, निर्दोष निर्दोष होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा विली। विली का मतलब होता है जिस पे हमेशा जो है आपका जो दोष है वो लगता रहे, ठीक है, जिस पे दोष है लगता रहे, या फिर एक तरह से आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको वहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगी, पर मेरे हिसाब से तो यही है। ओके इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, जो रेस्टलेस होता है, यानी किसी को जो है इंतज़ार नहीं होता किसी चीज़ का। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो जिसके पास क्वालिटी हो कुछ प्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। यही चीज़ मुझे याद नहीं आ रही थी, अब वर्ड देखा है तो मुझे याद है। ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग आपको पता है ना, किसी पे अश्योर करना, किसी पे जान पहचान, किसी किसी के ऊपर भरोसा करना, भरोसा। ओके और यहाँ पे एक लिख देता हूँ, एक चीज़ आपने बहुत जगह सुनी होगी, ट्रस्ट इज अ वेरी एक्सपेंसिव,
पीपल कांट अफोर्ड इट। इसका मतलब है कि जो भरोसा है वो बहुत महंगी चीज़ होती है और सस्ते लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, मुझे कमेंट करके बताना आपने कहाँ सुनी है, ठीक है? और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना। ये नहीं है कि मैंने अगर बिना पढ़ाई की चीज़ बताई है तो आप लोग कमेंट करने लग जाओ धड़ल्ले से। तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रेस होगा, ठीक है? डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस का मतलब होता है चिंता में। अभी मैंने पढ़ाया था ना पीछे, वरी। हाँ, यहाँ पे और क्या लिख सकते थे उसके बारे में? वरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनडायरेक्ट फॉर्म लिखना है। ही सेड आई विल बी डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड मोबाइल नेक्स्ट ट्यूजडे। अगले मंगलवार को मैं ये चीज क्या कर दूंगा? डिस्पोज कर दूंगा। तो ही सेड आएगा, ठीक है, सब में है। दैट ही विल नहीं आएगा, ठीक है? ही विल नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे विल है। यहाँ ये जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब है विल। ओके, इसका मतलब यह है विल। विल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें वो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। तो विल का वुड हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो गया। ओके, वुड हो गया। वुड बी डिस्पोजिंग ऑफ दी ओल्ड मोबाइल नेक्स्ट ट्यूजडे नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट ट्यूजडे लिखा हुआ है। तो जो फॉलोइंग ट्यूजडे होगा ना वो आएगा इसका आंसर, यानी जो अगला अगला आने वाला ट्यूजडे होगा। फॉलोइंग ट्यूजडे का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग ट्यूजडे का मतलब होता है फॉलोइंग ट्यूजडे का मतलब होता है फॉलोइंग ट्यूजडे का मतलब जो होता है जो अगला ट्यूजडे आएगा, अगला अगला दिन जो भी होगा, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, फॉलोइंग डे। इसका मतलब होता है अगला दिन, ठीक है? क्या होता है? अगला दिन, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, चलिए, है ना? आज की क्लास जो हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन के लिए। 800+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट चल रही है और पूरे 2 महीने चलेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, तो जुड़े रहना है, ठीक है? आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ से लिख के देता हूँ, 99% क्वेश्चन यहीं से बन के आएंगे। 99% कहाँ से क्वेश्चन बन के आएंगे? यहीं से बन के आएंगे बिकॉज जो हमारा डिफेंस वाला चैनल है वहाँ पे बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उन्होंने कमेंट करके बताया था कि सर आपके उसमें से पेपर आया, आपके उसमें से पेपर आया, और बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि जो कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज हैं, कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैसेज कह लो, ये भी जो है मेरे कराए में से, मैंने कितने सारे करवाए थे? 25 से ऊपर करवाए थे, 4 पेपर में आए थे, 4 जो है एग्जाम में आए ही आए थे। अब देखिए पैसेज ना बहुत आसान होता है, पेपर में से आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन थे वो बहुत सारे आए थे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।